जाट आरक्षण आंदोलन में हाथ जला चुकी हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरियाणा में सरकार की ओर से आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए आरक्षण पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने 2,40,000 से कम वार्षिक आय वाले वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए 10% आरक्षण दिया था। सरकार की ओर से लाए गए बिल में BCC श्रेणी को शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 10% और प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी में BCA का कोटा 10 से बढ़ाकर 11, BCB का कोटा 5 से बढ़ाकर 6 और EBC का कोटा 5 से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। इस तरह आरक्षण 10% और बढ़ गया। आपको बता दें कि फरवरी में जाटों ने हरियाणा में OBC कोटे के तहत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था और इसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। आंदोलन में करोड़ों रुपए की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद सरकार ने इस बिल को पास कर दिया था। हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार को यह तगड़ा झटका है। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा में जाटों का गुस्सा भड़क सकता है। अब हरियाणा सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए DB Live।